प्रणाम, नमस्ते। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी दवाई बताने के लिए आया हूँ, जिसका नाम रखा है राज। प्रणाम, नमस्ते। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा दवाई बताने के लिए आया हूँ, जिसका नाम है राज राजेश्वर रस। राज राजेश्वर रस जो है ना, यह बहुत ही अच्छी दवाई है जो कुष्ठ रोग में बहुत अच्छा काम करती है। तो हम लोग ना चर्चा करेंगे कि राज राजेश्वर रस को कुष्ठ रोगाधिकार में भेषज रत्नावली में स्थान मिला है और इसको राज राजेश्वर रस क्यों बोलते हैं। उसके पहले मुझे आप लोगों को म्यूट करने दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना अनम्यूटेड रखा है और घर की आवाज आ रही है। तो राज राजेश्वर रस है ना, इसमें ऐसी ऐसी दवाइयां हैं, इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं और यह मार्केट में मिलता है। आप लोग थोड़ा सा देखिए राज राजेश्वर रस के बारे में। और ना यह भेषज रत्नावली का योग है तो, और ये बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इसके बारे में पहले मैं श्लोक में पढ़ूंगा, फिर इसके जो कंटेंट्स है उसको हम लोग देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और फिर हम लोग ना चर्चा करेंगे विस्तार से। तो ऐसा बता रहे हैं कि आतपे मर्दे सूतम गंधकमृत ताम्रकम सुहस्त मर्दितम तालम याव तत्र विलीयते भृंगराज द्रवम दत्वा दिन मात्रम विमर्दये त्रिफलाखद्रम सारम अमृता बागुजी फलम प्रत्येकम शुद्ध तुल्यम सा चूर्णीकृत विमर्दये मद्वाज्याभ्यम लौह पात्रे माशाभ्यम बक्षेत ततः द्विगंजोपि निहन्त्याशु राजराजेश्वरो रसः। अब इसमें क्या क्या कंटेंट्स है वो हम लोग देखते हैं, फिर एनालिसिस करेंगे कि यह दवाइयां डालने से यह दवाई क्यों श्रेष्ठ, बताइए राज राजेश्वर रस क्यों बन गया है। तो इसका पारा और गंधक ले लेना है और उसकी कज्जली बनानी है, फिर उसके बाद में ताम्र भस्म डालना है, शुद्ध हरताल डालना है उसको, फिर ऐसे मर्दन करते करते जो खलवे यंत्र है उसमें मर्दन करते करते वह एक अच्छा सा भस्म टाइप बन जाएगा। फिर एकत्र करने के बाद इसमें जो भृंगराज रहता है, भृंगराज के रस की भावना देनी है, एक दिन तक मर्दन करना है। उसके बाद में त्रिफला लेना है, कपित्थ लेना है, गुड़ुची लेना है, फिर इसके बाद में कपित्थ यहाँ कत्था बोला है, कत्था मतलब खदीर लेना है, कत्था मतलब यहाँ पे लोकल भाषा में कत्था लिखा हुआ है लेकिन वो खदीर है, खदीर लेना है, गुड़ुची लेना है और बाकुची लेना है। इनका चूर्ण लेकर एक एक भाग लेके सभी को और फिर मर्दन करना है, मर्दन करते 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 और भृंगराज रस की भावना है, भृंगराज के स्वरस की भावना है या क्वाथ की भावना है। फिर ऐसे करने के बाद एक एक रत्ती की मतलब 125 mg की गोलियां बना लेनी है और फिर इसको जब भी सेवन करना है तो मधु और घृत विषम मात्रा में लेना है, मतलब कभी भी वो समान मात्रा में ये विष का परिणाम करता है इसलिए विषम मात्रा में, या तो मधु ज्यादा ले लें या घी ज्यादा ले लें, इसके साथ में इसको लेना है। और बता रहे हैं कि इसको और अच्छा गुणकारी बनाना है तो इसको लौह के पात्र में लेके और मर्दन करना है, मधु और घृत डाल के मर्दन कर दिया तो यह और अच्छा बन जाता है। अब इसका गुणधर्म देखेंगे तो यह दाद किटिब हर तरह के स्किन डिसऑर्डर्स में अच्छा काम करता है, मंडल कुष्ठ में बहुत अच्छा काम करता है और इसमें हड़ताल भस्म डालने से यह बहुत ज्यादा गुणकारी बन जाता है और रगड़ कर जब हम लोग मर्दन संस्कार करते हैं तो यह कज्जली के रूप में फॉर्म हो जाता है। तो अब इसमें जो कंटेंट्स है उस पर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दवाई इसमें क्यों डाली है वह जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग जैसे पारा ले लिया, पारा और गंधक जो कज्जली रहता है वो योगवाही रहता है, रसायन रहता है, तो
तो इसमें जो गंधक डाला हुआ है, गंधक का अगर हम लोग देखेंगे तो किसी भी कारण से जो रक्त दुष्टि हुआ है, मतलब ब्लड इम्प्यूरिफाई हुआ है, तो उसको प्यूरिफाई करने का काम गंधक करता है। और यह जो स्किन होता है उसको वह अच्छा से बनता है बनाता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अवभासिनी, लोहिता, ताम्रा, श्वेता, जो स्किन के जो अलग अलग जो लेयर्स रहते हैं, हम और एलोपैथी में भी डर्मिस और एपिडर्मिस बताए हैं, उन सब में यह गंधक जो रहता है बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए राज राजेश्वर रस में जो गंधक डाला है उसका उसका गुणधर्म यह है कि वो रक्त को शुद्ध करता है। उसी तरह से रक्त के अशुद्धि से होने वाले जो बनने वाले धातुएं हैं, वह भी गंधक क्या करता है कि जो धातु परिपोषण क्रम है उसको अच्छा कर देता है। नहीं तो अगर अगर रक्त धातु खराब रहा तो उत्तरोत्तर जो धातुएं हैं, जैसे मांस धातु है, मेद धातु है, मज्जा धातु है, अस्थि है, शुक्र है, यह सब निर्बल होती जाती है, उनमें ताकत नहीं रहती है। और जब हम लोग राज राजेश्वर रस का प्रयोग करते हैं जिसमें गंधक है, तो इससे ना धातु जो रहती है वो अच्छी बनने लगती है, रक्त धातु अच्छा बनना लगता है, और दूसरी धातुएं भी है, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यह भी अच्छी बनने लगते हैं। इसलिए गंधक का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। हम लोग कोई भी कुष्ठ रोग देखते हैं तो उसकी संप्राप्ति में चरक संहिता में बताया है कि तीनों दोष प्रकोपित होते हैं, और फिर त्वचा, रक्त, मांस, लसिका, ये चार दुष्य होते हैं। त्वचा, रक्त, मांस और लसिका, ये दुष्य होते हैं। और दोष दुष्य समूर्छना होके जहां पर भी ख वैगुण्यता मिल जाती है वहां पर वो जाके स्थान संशय करके व्याधि को उत्पन्न कर देते हैं। तो यह जो गंधक डाला हुआ है राज राजेश्वर रस में, यह ख वैगुण्यता जन्य जो संप्राप्ति है उसको भंग कर देता है, क्योंकि अच्छा रक्त जाने लगता है वहां पर। अच्छा रक्त जाएगा तो वो उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी रहती है, जल्दी जल्दी हील करने लगता है। जब हीलिंग होने लगेगा तो वहां जो पैथोलॉजी हुई है, जो संप्राप्ति हुई है, वह पूरी तरह से नष्ट होगा। और स्वभाव परमवाद के हिसाब से जो पुराने धातु हैं वह तो नष्ट हो रहे हैं। स्वभाव उपरमवाद, उपरम मतलब नाश होना, स्वभाव उपरमवाद से पुराने धातु नष्ट हो रहे हैं, और जो नए धातु आ रहे हैं वह अच्छे रक्त धातु से बनने वाले हैं। तो नए नए एक एक सेल अच्छा बनने लगता है, इसलिए राज राजेश्वर रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पित्त प्रधान जो रोग रहते हैं उसमें अगर हमने गंधक का प्रयोग कर दिया तो दाह होना, जलन होना, और यहाँ पर बताया है कि श्लोक में देखिए कितना बढ़िया से बताया है कि ददृकिटिप कुष्ठानि मंडलानि विशेषत विनाशेत। मंडल कुश जो रहता है उसमें ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अगर यही चीज में ये सब ददरू है, किटिब है, खुजली आ रही है, बहुत ज्यादा कंडू है, बहुत ज्यादा क्लेद संचिति है, बहुत ज्यादा ना स्त्राव निकल रहा है, तो ये गंधक वाला जो है प्रयोग, वह करने से क्या होता है कि वो स्त्राव को भी वो बंद कर देता है, हील कर देता है। फिर उसी तरह से दाह हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, फिर हाथ पैर में जलन हो रही है, फिर पेशाब में जलन हो रही है, मस्तिष्क के भीतर जलन हो रही है, कंठ में, जीवा में जलन हो रही है, और ऐसा इच्छा होता है कि ठंडे पानी से नहा लो। तो ये मतलब बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ रहता है, वह स्किन में चला जाता है, और उसकी वजह से ये अलग अलग कुष्ठ व्याधियां होती है। केवल मैं पित्त को ध्यान में रख के बोल रहा हूँ। इसी तरह से वात की वजह से रुक्षता रहती है, तोद्वत वेदना रहती है, वहां पे ड्राइनेस आती है, खरुता आती है, परुषता आती है, और कफ की वजह से क्लेद होता है। तीनों दोष का इन्वॉल्वमेंट रहता है। कोई भी कुष्ठ रोग एक दोष का डोमिनेंस रहेगा, लेकिन तीनों दोष जरूर उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तीनों दोषों के लक्षण कुछ ना कुछ तो दिखाई देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो गंधक का प्रयोग करते हैं वह ना पूरी तरह से यह पित्त को शांत कर देता है, पित्त की उष्णता और तीक्ष्णता को शांत कर देता है। इसी तरह से शरीर में छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं, खुजली बहुत ज्यादा आती है, खुजलाने पे थोड़ा थोड़ा रक्त भी आने लगता है, ऐसे कंडीशन में भी राज राजेश्वर रस का प्रयोग कर दिया जाए, बहुत अच्छा फायदा होता है। यह मेडिसिन आप लोग खुद भी बना सकते हैं। आप लोग क्या करिए कि एक खलवी यंत्र लेके आइए, और कज्जली मिलता ही है मार्केट में, वो लेके आइए, और ताम्र भस्म लाइए, हड़ताल लाइए, और वो जो इतने अच्छे अच्छे दवाइयां हैं, भृंगराज लेके आ जाइए, फिर उसके बाद में त्रिफला ला दीजिए, फिर खदीर ला दीजिए, गुड़ुची ला दीजिए, और बाकुची ला दीजिए, इसको मर्दन करके और पानी डाल के, अगर भृंगराज का काढ़ा है तो फिर पानी डालने की जरूरत है, उसको मर्दन कर करके फिर गोलियां बना दीजिए, फिर उसके बाद में लोह, अगर लोह का अगर खलबत्ता है तो और फायदा होगा, क्योंकि उसमें आयरन कंटेंट जाएगा लोह पात्र में, उसमें मधु डालिए, घृत डालिए, और घोटते रहिए, घोटने घोटने के बाद फिर वो उसकी गोलियां बना के रख लीजिए। इतना सिंपल है राज राजेश्वर रस, कोई भी बना सकता है। ज्यादा से ज्यादा इसमें 4-5 घंटे का मेहनत लगेगा, और अगर मर्दन करने में थोड़ा और आपको टाइम देना है तो 3-4 दिन भी लगा सकते हैं। जितना मर्दन रहेगा उतना सूक्ष्म बनेगा, तो इससे ना बहुत अच्छा फायदा होता है। और आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, जब मैं जमदग्नि सर के पास जाता था सीखने के लिए 98-99 में,
वहां से मैंने शुरुआत किया सर के पास। 97 में भी जाता था लेकिन 98 से रेगुलर जाने लगा सेकंड ईयर बीएमएस में। तब ना जमदग्नि सर हमें क्लिनिक में बिठा के और बोलते थे कि आप लोग मेडिसिन बनाना सीखे, जो वैद्य अच्छा मेडिसिन बना सकता है वही अच्छा चिकित्सक भी बन सकता है। तो मैंने सर के क्लिनिक में काढ़े भी बनाए हैं, मैंने मर्दन भी किया है, घंटों मर्दन किया है, क्योंकि हमारे कॉलेज में उतना पढ़ाई नहीं होता था जितना सर के क्लिनिक में होता था। तो मर्दन किया है पूरा, मैंने पंचकर्म भी सर के पास सीखा है, उत्तर बस्ती भी सीखा है, हर चीज सर के पास हर चीज सीखा है, मेडिसिन पैक करने से लेके फिर उसके बाद में मेडिसिन डिस्पेंस करना है, कैसे पेशेंट से कैसे बात करना है, पेशेंट से कैसे मतलब केस टेकिंग करना है, फॉलोअप कैसे लेना है, ये सारा चीज ना सर के क्लिनिक में जाके सीखने को मिला। इसके साथ में सर हमें क्या करते थे, हर शनिवार को ना हमें सिंहगढ़ पे लेके जाते थे, कभी भीमाशंकर पे लेके जाते थे, और वो भी सर अपने खर्चे पे लेके जाते थे, इतने अच्छे सर हैं, वो सबको लेके जाएंगे, फिर उसके बाद में वहां पे नाश्ता वास्ता सब खिलाएंगे और फिर वहां से लेके पहुंचा देंगे। मतलब सर इतने डेडिकेटली, इतना अच्छे सर है ना, इतने अच्छे से, और हर बच्चे पे उनका ध्यान रहता था। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दूर बैठा है कम बोल रहा है तो उसको नहीं, वो एक मतलब श्रेष्ठ गुरु है। तो हर बच्चे से अभी भी सर जब भी मिलते हैं ना, वो पूछते हैं प्रैक्टिस कैसे चल रही है, उसको और कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, क्या उसके लिए आइडिया है, क्या क्या आइडिया कर रहे हो, हर चीज पूछते हैं। और सर का मेमोरी इतना अच्छा है कि आप ना 10 साल के बाद भी सर से मिलिए, मैं ही नहीं कोई और भी मिल लेना, सर को हर बात याद रहता है, हर चीज याद है, मतलब उनका मेमोरी भी इतना अच्छा है, रसायन से बन के। तो और वो ना इतना अच्छे हैं कि वो ये भी बताते हैं कि आप ना पुणे में महाराष्ट्र में या कहीं पर भी इस डायरेक्शन में जाके क्लिनिक शुरू करिए, आपका अच्छा क्लिनिक चलेगा। मतलब सर इतना ध्यान देते हैं, इसलिए मुझे उनके लिए हर समय ना ऐसे प्रणाम करने को मन करता है, इतने अच्छे गुरु हैं। तो यहाँ पर जो मतलब मुझे ये बताना था कि मैंने जब सर के क्लिनिक में ये सब मर्दन उर्दन किया है, तो सर हमें ये भी बताते थे कि जब आप मर्दन कर रहे हैं तो थोड़ा भी दवाई गिरना नहीं चाहिए, इसलिए पेपर लगा दीजिए या पॉलिथीन लगा के फिर मर्दन करिए, कि थोड़ा गिरे भी तो उसको हम लोग वेस्ट ना होने दे, क्योंकि हर मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उतना और सर ने ये भी सिखाया कि जब भी आप ये कर रहे हैं तो अच्छी भावना से आप करिए और मंत्र वंत्र लगा दीजिए, ताकि ना वो मेडिसिन में पॉजिटिव एनर्जी जाए, मेडिसिन में उतना पावर नहीं रहता जितना उसको बनाने वाले का जो नियत रहता है उसमें, अगर अच्छा पॉजिटिव रहे, अगर कोई गुस्से में बना रहे तो वो दवाई अच्छी नहीं बनती है। और जो दवाई दे रहे हैं अपने हाथ से दे रहे हैं ना, उसमें भी जो भावना से हम दवाई देते हैं वैसा ही उसका फायदा भी होता है। जैसे कि हम कोई वनस्पति है शतावरी है, अगर हम उसको बोलेंगे मतलब उसके पर्याय नाम है तो धीरा नाम की वनस्पति, धीरा भी उसका पर्याय है, मतलब सिनोनिम है शतावरी का। तो जब हम बोलेंगे ना कि धीरा हम दे रहे हैं, मन में सोच के देंगे, तो पेशेंट में ना धैर्य बढ़ जाता है। मतलब और अगर हम बोलेंगे धात्री, आमलकी को धात्री करके देंगे या हरितकी को धात्री करके देखेंगे, तो वह ना धात्री का ही काम करने लगती है। तो मतलब जो देने वाले वैद्य हैं उनका भी दक्ष तीर्थ शास्त्रार्थ दृष्ट कर्मा सुचित विचार, मतलब जो वैद्य रहते हैं उनके गुणधर्म में बताए हैं 4 गुण कि वो दक्ष रहने चाहिए, शास्त्रार्थ शास्त्र में भी उनका अर्थ मालूम होना चाहिए, यानी कि केवल पढ़ लिए उसका अर्थ भी समझ के, और शुचि बोला है मन पवित्र रहना चाहिए। कोई भी पेशेंट हो वो चाहे दुराचारी हो, हमारे लिए गाली गलौज भी करता हो, लेकिन उसके लिए हमारे लिए मन में अच्छा ही रहना चाहिए। अगर टेररिस्ट भी आ रहे हैं और मेरे घर को आग भी लगा दिया उसने, लेकिन वो मेरे पास जब चिकित्सा लेने आ रहे हैं तो मुझे मेरा फर्ज है कि मैं अच्छी भावना से ह्यूमैनिटी का सोच के उसका चिकित्सा करूं। दुश्मनी अलग बात है, लेकिन वहां हम चिकित्सक हैं, वहां पर मतलब रज और तम ना इस लेवल तक पवित्र मन को रखने के लिए बोला है। उसी तरह से ऐसा भी सिखाया गया है कि कोई भी स्त्री को माता या बहन के रूप में ही देखना चाहिए, मतलब हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी अच्छा होना चाहिए। इसीलिए ना हमारे सर हमें ये चीज बताते हैं कि आप पेशेंट से भी बात कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छे से बताते। आज मैं एक जगह गया था तो जमदग्नि सर की ना बहन मिली, तो मैंने उनके पैर छुए, मतलब ऐसे हम पैर छूते हैं बड़े के, तो वो बोले कि मैंने उनको कहा कि आप ना सर के घर पे एक बार मिली थी, तो उन्होंने ना सब जगह बताया कि ये देखिए जमदग्नि सर के स्टूडेंट में कितने अच्छे संस्कार हैं कि हमें ना ये पैर छूते हैं, बड़े वैद्य होके भी पैर छूते हैं। तो वहां जितने लोग थे ना, मैं कहीं शॉप में गया था तो वो लोग भी इतने इंप्रेस्ड हुए। ये हम जो करते हैं ना, इससे हमारे गुरु का नाम होता है कि जमदग्नि सर के स्टूडेंट है जिनमें इतना विनम्रता है। तो मुझे ये बोलना है कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने गुरु का बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं गाली गलौज करूंगा, मैं कुछ ये करूंगा, तो इससे मेरे सर की बदनामी होगी।
तो हम पे बहुत बड़ा ये रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। यहाँ पर मुझे ये बताना है कि यहाँ पर ना खुजली होना, खुजलाने पे रक्त आना, ये सारे कंडीशन में राजराजेश्वरस बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से अगर गुनोरिया हुआ है या सिफिलिस हुआ है, उपदंश और सुजाक या फिरंग रोग जो बोलते हैं, उसमें भी अगर पूरा बॉडी में विष विष व्याप्त हो जाते हैं, तो विष व्याप्त होने की वजह से मतलब एक तरह से टॉक्सिन्स आ जाते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के वजह से जो बॉडी में पॉइजन्स टॉक्सिन्स आ जाते हैं जो रक्त की दुष्टि करते हैं और वह सामान्य दवाई से नहीं ठीक हो रहे हैं, उसमें अगर हमने राज राजेश्वर रस का प्रयोग किया तो यह ना अगत का काम करता है और वो पूरी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन करता है, इसीलिए राज राजेश्वर रस का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से अगर सिफिलिस और गोनोरिया बहुत पुराना हो गया है और पूरे बॉडी में जलन हो रही है और पेशाब करते समय जलन हो रही है, मूत्रेंद्र में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, थोड़ा थोड़ा पस भी निकल रहा है, ऐसे सिफिलिस में आप लोगों ने देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा क्योंकि आप लोगों का उतना मतलब आपके पास पेशेंट आते हैं कि नहीं पता नहीं है, लेकिन मैंने देखा है, मैंने सर के पास भी देखा है, सर के पास इतने पेशेंट रहते हैं, इतने पेशेंट रहते हैं, तो वहां पेशेंट का एक्सपोजर रहता है, सीखने को बहुत मिलता है, और मेरे प्रैक्टिस में भी है तो मैंने देखा है। तो वैसे कंडीशन में भी राज राजेश्वर रस का प्रयोग कर दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हर तरह का कुष्ठ विकार जो रहता है, 18 प्रकार का जो कुष्ठ है जिसमें महाकुष्ठ है और शूद्र कुष्ठ है, उसमें राज राजेश्वर रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अब ये मेडिसिन जो है ये अलग अलग मतलब क्या होता है कि हम लोग के पास कोई पेशेंट आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस चूज करना पड़ता है। कोई पेशेंट जो होते हैं वो AKT से ठीक हो जाते हैं, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल से ठीक हो जाते हैं प्राइमरी लेवल पर। अगर उससे नहीं ठीक हो रहे हैं तो हम लोग गंधक रसायन देते हैं, पंचतिक्त घृत गुगुल देते हैं, महामंजिषादि क्वाथ देते हैं। अगर उससे नहीं ठीक हो रहा है तो हम शोधन पे जाते हैं, मतलब वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण कराते हैं। उससे भी नहीं ठीक हो रहा तो हम लोग रस माणिक्य देते हैं, उससे भी नहीं ठीक हो रहा है। तो अलग अलग स्टेजेस भी समझ आना चाहिए और अलग अलग मेडिसिन का लेवल भी पता चलना चाहिए। तो राज राजेश्वर रस है ना, ये बहुत आगे मतलब बहुत ही अच्छी दवाई है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना फोर्थ जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, बहुत हाई लेवल का जो एंटीबायोटिक रहता है, उसी तरह से इसका लेवल जो है वो बहुत ही ऊपर है। यह दवाई जो है यह हर तरह के मतलब छोटे से छोटा फुंसी पे भी काम करता है और बड़ा से बड़ा जो असाध्य कृच्छ साध्य जो कुष्ठ रोग है उस पे भी यह काम करता है, इसलिए इसका नाम है राज राजेश्वर रस। राजा से भी ईश्वर, राजा को हम लोग ईश्वर मानते थे पहले के जमाने में, कोई भी राजा रहता था उसको ईश्वर मानते थे। तो राजाओं में राजा जो ईश्वर तुल्य है, इस तरह का दवाई जो है ऐसा दवाई राज राजेश्वर रस इसका नाम है। तो यह ना हर तरह के शीत पित्त में भी काम करता है, ददरू में भी काम करता है, अनेक प्रकार के क्षुद्र रोगों में भी काम करता है। जहां पर आपका मेडिसिन केवल गंधक रसायन देने से ठीक नहीं हो रहा है, जहां पर पंचतिक्त घृत गुगुल देने से काम नहीं हो रहा है, सूक्ष्म त्रिफला देने से काम नहीं हो रहा है, वहां पर ये दवाई दे देंगे तो हर पेशेंट आपका पेशेंट कभी भी निराश होकर नहीं जाएगा कि हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। और इसी तरह से जो सोरियासिस रहता है जिसको हमको ठीक करने में बहुत टाइम लगता है, कभी कभी 1 साल 1.5 साल भी लग जाता है और सादी दवाइयां उसमें काम नहीं कर पा रही है, तो यह जो रस कल्प है राज राजेश्वर रस उसको अगर दे दिया जाए तो ड्यूरेशन कम हो जाता है और पेशेंट को फास्ट रिकवरी हो जाती है, क्योंकि यह धातुओं को शुद्ध कर देता है और धातु को शुद्ध करके नए धातु बनाता है, स्किन डिसऑर्डर को अगर हम लोगों ने ध्यान में रख के किया तो। उसी तरह से इसमें हड़ताल भस्म डाला हुआ है, तो हड़ताल भस्म का हम लोग रस माणिक्य बना के प्रयोग करते हैं। तो यह क्या करता है, राज राजेश्वर रस में डाला हुआ है। अब आप लोग ना अगर मेडिसिन के बारे में सोचेंगे तो आप लोग ना एक राफेल विमान के बारे में सोचिए। राफेल विमान जो है ना वो अपग्रेडेड जो इस तरह का विमान हमको भारत को फ्रांस दे रहा है। पहले के जमाने का जो पहला वर्जन जो आया था राफेल, जब शुरुआत में आया था तो उसमें इतने फीचर्स नहीं थे, बाद में उसको अपग्रेड किया गया, मतलब उसमें GPS भी लगा होना चाहिए जो सैटेलाइट से तुरंत पता है कि पता चला है कि शत्रु कहाँ पर है, उसका एक्यूरेसी, मिसाइल जब हम लोग लगा देते हैं तो एक्यूरेसी की वहीं पर अटैक करना है, वहां पर भी उसका अटैक परफेक्ट होना चाहिए, वो फेल नहीं होना चाहिए। उसी तरह से उसका रेंज भी अच्छा होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान पे अटैक करना है, कोई टेररिस्ट कैंप पे अटैक करना है तो 200 किलोमीटर दूर से भी अगर हम लोग को कंप्यूटर से टारगेट दिख रहा है, सैटेलाइट से वो पता चल रहा है, तो वो टारगेट में करे और उतना तक परफेक्ट लगे। मतलब जो ये अपग्रेडेड जो वर्जन आ रहे हैं राफेल के, उसी तरह से ये जो राज राजेश्वर रस है उसमें भी ये अपग्रेड किया है। केवल गंधक गंधक डाल देते, पारा गंधक डाल देते तो भी ठीक हो जाता था, लेकिन इसमें हड़ताल भस्म भी डाला है, खदीर भी डाला हुआ है,
त्रिफला भी डाला हुआ है, गुरुची भी डाला हुआ है, बाकुची भी डाला हुआ है और भृंगराज भी डाला हुआ है। मतलब इसको पूरी तरह से एकदम स्ट्रांग बना दिया, एकदम अपग्रेडेड जो मेडिसिन रहता है, इसलिए इसका नाम है राज राजेश्वर रथ। जिस आप लोग केवल राफेल का सोच के सोचिए वो कितना फास्ट है, नहीं तो हमारे पास लड़ाकू जहाज तो है ही बहुत सारे, MiG-21, MiG-29, फिर उसके बाद में सुखोई है हमारे पास, मिराज है, लेकिन उनसे अपग्रेडेड, क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है तो फिर पाकिस्तान कैसे कर रहा है कि ड्रोन से अटैक करने लगा है। फिर उसके बाद में उसके पास जो F-18 है, जो ये जहाज है, तो F-18 भी अमेरिका का जहाज है, तो हमें भी अपग्रेड होना चाहिए। इसी तरह से जो स्किन डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट आ रहे हैं, तो स्किन डिजीज वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब वो एलोपैथी का ले लेके थक जाते हैं, और एलोपैथी के ऑटोइम्यून डिजीज बोल के स्टेरॉइड्स देके और जो भी दवाइयां रहती है वो सब देके नहीं फायदा हो रहा है, तब हमारे पास आते हैं। और हमारे पास ना प्रेशर रहता है कि हमें अच्छा दवाई देना है, सेफ दवाई देना है और फास्ट रिजल्ट देना है। अगर आप फास्ट रिजल्ट नहीं देंगे और आप दे रहे हैं 3 महीना 6 महीना दवाई दे रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, पेशेंट क्यों आपके पास आएगा, पैसा देगा? प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, पेशेंट पैसा दे रहे हैं ना तो उसको एक्सपेक्टेशन भी होती है कि हमें थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिले, फास्ट रिजल्ट मिले और कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। इसी कड़ी में ये राज राजेश्वर रथ बना है कि एकदम फास्ट और बेस्ट रिजल्ट है, और ना बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसलिए जब हड़ताल डाला जाते हैं तो अगर ना कभी कभी सोरियाटिक अर्थराइटिस हो जाता है, जिसमें हड्डियों में दर्द हो रहा होता है, ज्वाइंट्स में दर्द हो रहा होता है, इतना इंफेक्शन सोरियासिस का फैल जाता है। इसी तरह से त्वचा रुक्ष हो जाती है, वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, हाथ पैर की जो धमनियां रहती है, आर्टरीज और वेन्स, उसमें खिंचावट होने लगती है, उंगलियां टेढ़ी भी होने लगती है। सोरियाटिक अर्थराइटिस में सोरियासिस भी है, मतलब कुष्ठ भी है, और वह अस्थि व स्त्रोतस में चला गया, संधि में चला गया और वहां जाके फैल रहा है। तो उसमें अगर हमने, और चलने फिरने में तकलीफ हो रही है, उंगलियां टेढ़ी हो रही है, और ना इसी तरह से उसका जो अबडक्शन अडक्शन जो हो रहा है, इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन, इन सब में भी प्रॉब्लम हो रहा है, उसी तरह से टेंशन में भी प्रॉब्लम हो रहा है, ज्वाइंट्स में वो अटैक हो गया है, स्टिफनेस भी आ रहा है, पेन भी कर रहे हैं, तो उन सब में अगर हमने हड़ताल भस्मयुक्त राज राजेश्वर रस दिया तो ये क्या करता है कि यहाँ पर रक्तावृत वात के जैसे लक्षण होते हैं, मतलब वातरक्त जैसे संप्राप्ति होती है, तो ये बहुत ज्यादा व्याप्त होती है, गंभीर होती है। उन सब में हड़ताल भस्मयुक्त राज राजेश्वर रस दिया तो वायु बीच में बैठा है और रक्त का आवरण है, वायु के साथ शैतान बच्चा है, वो शांत बैठने वाला नहीं, उसका चल गुण है। शैतान बच्चे को अगर रक्त ने आवृत कर दिया तो वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा तकलीफ पैदा करेगा, तो वह तकलीफ पैदा करेगा तो मूषिक दंशवत वेदना हर ज्वाइंट में होने लगता है, जैसे चूहा काट रहा है, इस तरह से वेदना होती है, क्योंकि रक्त भी दूषित हुआ रहता है, वायु भी दूषित हुआ रहता है, और यह आवरण जन्य संप्राप्ति होती है, वात रक्त जैसे संप्राप्ति। यही संप्राप्ति सोरियाटिक अर्थराइटिस में भी छोटे छोटे ज्वाइंट्स में भी हो जाती है, बड़े ज्वाइंट में हो रही है वहां हो रही है, तो वो आमवत होता है। यहाँ पर वात और रक्त की दुष्टि होती है सोरेटिक अर्थराइटिस में, मतलब सोरेसिस का भी अटैक होता है और वात रक्त की भी संप्राप्ति होती है ऐसे कंडीशन में, क्योंकि गंभीर धातु में गया है, कुछ ऐसा मेडिसिन है उसमें आप केवल AKT देंगे, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, तो वह ठीक करेगा, लेकिन उसमें सूक्ष्म स्त्रोतोगामी होके और तुरंत इफेक्ट करने की ताकत नहीं होगी। उसको ही ताकतवर बनाने के लिए हड़ताल भस्म डाला हुआ है। हड़ताल जो रहता है वो सूक्ष्म रहता है, क्योंकि भस्म जो रहता है वो ज्यादा अच्छे काम करता है, फास्ट काम करता है, तो वो वातरक्त की संप्राप्ति को भंग कर देता है और सोरेटिक अर्थराइटिस में हीलिंग जल्दी जल्दी करने लगता है। इसी तरह से अगर वातरक्त, अगर हम लोगों ने देखा वातरक्त में भी अगर शोथ हो गया है, वो ज्यादा जड़ता आ गई है, स्टिफनेस हो गया है ज्वाइंट्स में, इसी तरह से स्पर्श ज्ञान, मतलब नमनेस आ गया, स्पर्श ज्ञान शून्य हो गया है, खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, और उसमें ना कभी कभी ना ऐसा लगता है ठंडापन है, क्लेद आ रहा है या क्लेद नहीं भी आ रहा है, रुक्षता हो गई है, पेन हो रहा है, नहीं भी पेन हो रहा है, मतलब कोई भी कंडीशन में जो गंभीर वातरक्त है या उत्तान वातरक्त है उसमें भी अगर राज राजेश्वर रस का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से यह वातरक्त वातरक्त पे करे, कुष्ठ को अभी छोड़िए, वातरक्त के जो उपद्रव होते हैं जैसे कि नींद ना आना, इनसोम्निया होता है, अरुचि होता है, श्वास लगता है, मांस गलने लगता है वातरक्त में, उसी तरह से शरीर की सिर की नसें अकड़ जाती है, पूरा यहां तक भी अगर वातरक्त फैल गया
पीछे वर्टिब्रेज में, तो ये पूरा अकड़न होने लगता है, मन्ना स्तंभ होने लगता है, बार बार मूर्छा आती है, आंखों के सामने धुंधलापन आता है, तमा प्रवेश होता है, बहुत शरीर में दर्द होने लगता है, प्यास होने लगता है। यह ज्वाइंट को छोड़ के सार्वदेहिक उपद्रव जो होते हैं वह मैं बता रहा हूँ। फिर शोथ पक जाता है, ज्वर होने लगता है, चक्कर आता है, शरीर में थकावट होती है, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है बातरक में, उसी तरह से छोटी छोटी फुंसी आने लगती हैं, इतने भयानक उपद्रव होते हैं, बार बार मूर्छा होने लगती है। जब क्रॉनिक स्टेज में जाने लगता है तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। ऐसे उपद्रवों में आप भले रक्त मोक्षण करा रहे हैं, लेकिन अगर राजराजेश्वर दे दिया तो सूक्ष्म स्रोतोगामी है, और वहां पर जाने के बाद ना डॉक्टर सीमा जी बोल रहे हैं कि राजराजेश्वर और राजराजेश्वर एक ही है, रस राजेश्वर नहीं, रस राजेश्वर अलग है, मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ राजराजेश्वर, रस राजेश्वर रस जो है वो अलग है, उसका जो ये है रोगाधिकार है वो अलग है, रस राजेश्वर रस के बारे में बाद में बताएंगे। तो इसी तरह से ये हर छोटे छोटे उपद्रव जो हो रहे हैं, छोटे छोटे और बड़े बड़े उपद्रव हो रहे हैं, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से वातरक्त, और हमने देखा ना वातरक्त की संप्राप्ति और कुष्ठ रोग की संप्राप्ति अलग अलग होते हैं, तो जो हड़ताल भस्म है वह कुष्ठ रोग में भी काम करता है और वातरक्त में भी काम करता है, जो गाउटी अर्थराइटिस होता है उसमें भी काम करता है, सोरियाटिक अर्थराइटिस है उसमें भी हड़ताल भस्म काम करता है। तो हमारे पास पेशेंट जो आएगा ना, तो बहुत बार डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि इसकी वातरक्त है, गाउटी अर्थराइटिस है वातरक्त के वजह से है, कि इसको सोरियाटिक अर्थराइटिस है, क्योंकि ये सारे ज्वाइंट्स में जाके बैठ गए, सोरियासिस के भी सिम्टम दिख रहे हैं, वातरक्त भी दिख रहे हैं। तो इसलिए कॉमन दवाई है हड़ताल भस्म, यह दोनों में, सोरियाटिक अर्थराइटिस में भी काम करेगा, गाउटी अर्थराइटिस में भी काम करेगा। इसी तरह से त्वचा के रोग जो रहते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स, उसमें पामा है मतलब खुजली बहुत ज्यादा आ रही है, दद्रू है, कच्छू है, उसी तरह से उपकुष्ठ जो है, छोटी छोटी बीमारियां, छोटे छोटे जो विस्फोटक है, और शुद्र कुष्ठ में आप लोगों ने पढ़ा है पामा, शतावरु, अलग अलग जो विचर्चिका, विपादिका, ऐसे बहुत सारे शुद्र कुष्ठ, 11 तरह के जो शुद्र कुष्ठ है उसमें भी यह बहुत अच्छा फायदा होता है। जिसकी जड़ जम गई है, मतलब जो मूल है ना वो जड़ गया, जम गया है कोई भी व्याधि में, उसमें भी रक्त शोधक दवा के साथ अगर राजराजेश्वर रस दिया, रक्त शोधक द्रव्य में क्या हम लोग दे सकते हैं, तो रक्त पाचक दे सकते हैं, महामंजिष्टादि क्वाथ दे सकते हैं। हमारे सर ऐसे बताते हैं कि जो साफी आता है ना हमदर्द का, वह भी रक्त शुद्धि बहुत अच्छे से करता है। तो आखिर तो वह आयुर्वेद की दवाइयां ही है, उसको यूनानी में बोलते हैं साफी। तो साफी के साथ भी अगर दे दिया जाए ना राजराजेश्वर रस, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। महातिक्त घृत है, फिर महामंजिष्टादि क्वाथ बता दिया मैंने, इस तरह के जो क्वाथ है ना, या फिर कुष्ठग्न गण के क्वाथ हैं, वर्ण गण के क्वाथ हैं, वो भी रक्त को शुद्ध करते हैं। वर्ण गण हो गया, कुष्ठग्न गण हो गया, कंडुग्न गण हो गया, उदर्द प्रश्मन गण हो गया, ये अलग अलग स्टेजेस में काम करते हैं ये सारे द्रव्य, ये रक्त शुद्धि करते हैं, रक्त पाचक हो गया, इन सब के साथ में अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से पित्त प्रधान अगर कुष्ठ है, तो उसमें वह जो पित्त प्रधान कुष्ठ में हड़ताल भस्म युक्त जो राजराजेश्वर रस है वह ज्यादा इफेक्ट करता है, पित्त का उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवता, ये सबको ये कम कर देता है, और इसको उचित अनुपान के साथ हम लोगों ने अगर प्रयोग किया तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और यह ना अपने आप इसमें इतना गुणधर्म है कि आम को भी पचा देता है, मतलब सामावस्था को भी निकाल देता है, क्योंकि रसकल्प है, तो आम को भी पचा देगा, और वो स्किन डिसऑर्डर्स में भी काम करेगा। तो जरूरी नहीं है कि हम पहले आम पाचन करें, फिर रस पाचक दें, रक्त पाचक दें, और उसके साथ में ये दवाई दें, मतलब उसके बाद में ये दवाई दें, ऐसा जरूरी नहीं है। डायरेक्ट भी अगर दे दिया तो यह बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। आप रस पाचक, रक्त पाचक, तापे दिलो, जो रक्त प्रसादन करने वाली दवाइयां हैं वह सब भी दे सकते हैं। स्वर्णमाक्षिक भस्म है वो भी रक्त का प्रसादन करता है, फिर लौहकल्प दे सकते हैं वो भी रक्त को अच्छा बनाते हैं, वो सब ठीक है, उसके साथ में एडिशनल दे सकते हैं, लेकिन यह खुद भी इतना अच्छा स्ट्रांग दवाई है कि यह सबको रक्त शुद्धि भी करता है, रक्त को प्रसादन भी करता है। और उसी तरह से उपदंश का मैंने बता दिया कि उपदंश में भी बहुत अच्छा काम करता है। अब मैं इसके बाद में कुछ कुछ इसमें जो हर्ब्स हैं उसके बारे में बताता हूँ। हाँ, ताम्र भस्म रह गया था, ताम्र भस्म डाला हुआ है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? ताम्र भस्म जो रहता है वो यकृत और प्लीहा पे बहुत अच्छा काम करता है, यकृत और प्लीहा पे उत्तेजना देता है। ताम्र भस्म डाला हुआ है ना, तो ताम्र भस्म से यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यह पांडु रोग में अच्छा काम करता है, रक्त वह स्रोत के मूल स्थान पे काम करता है, तो रक्त को शुद्ध कर देता है। यकृत और पित्ताशय पे बहुत अच्छा काम करता है, तो यकृत का जो पित्त का सिक्रीशन है, पाचक पित्त का सिक्रीशन यकृत से हो रहा है,
ग्रहणी कला से जो हो रहा है, फिर पैंक्रियाटिक जूस के रूप में हो रहा है, ये जो जितना भी बाइल हो गया, सकस इंट्रिकस का जो हो गया, ये जो जो पित्त है, अलग अलग जो एलोपैथी एंजाइम्स बोलता है, एचसीएल, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, बहुत सारे सीरम अमाइलेज वगैरह जो नॉर्मल अवस्था में पचन क्रिया करिए, वह सबको ये रेगुलेट कर देता है, अच्छा कर देता है, अच्छा पित्त बनेगा, पित्त निकलेगा तो पचन क्रिया भी अच्छी होगी, अच्छा पचन क्रिया होगी तो आहार रस अच्छा बनेगा, आहार रस अच्छा बनेगा तो अच्छा रस धातु बनेगा, रक्त धातु बनेगा। इसलिए ताम्र भस्म का यहाँ पर सिग्निफिकेंस है कि वह पित्त का सिक्रेशन अच्छा कर देता है, इसी तरह से वह रक्त दृष्टि में भी बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए ताम्र भस्म का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब मैं आप लोगों को जो अलग अलग मेडिसिन डाला हुआ है उसका मैं सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि वह क्यों डाला हुआ है और उससे ये रस, राजेश्वर रस, इतना श्रेष्ठ दवाई क्यों बन जाता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गुड़ुची डाला हुआ है, गुड़ुची जो है वह श्रेष्ठ रसायन है, गुड़ुची कटुका तिक्ता स्वादुपाकर रसायनी संग्रहणी कषाय उष्णा लघ्वी बल्याभिनी दीपनी दोषत्राम त्रिदाह मेह काशांश पांडुतान कामला कुष्ठ वातांश ज्वर कृमि वमिन हरित। तो ऐसा बताते हैं, तो कुष्ठ, हम केवल इसको कुष्ठ रोग के हिसाब से अगर देखते हैं तो यह रक्त व स्त्रोतस में काम करने वाली दवाई है, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी है, रक्त विकारों में गुड़ुची बहुत अच्छा काम करती है, कुष्ठ रोग में, विसर्प में बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए इसको डाला हुआ है। इसी तरह से खदीर देखेंगे, खदीर तो ऐसा बताते हैं कि कुष्ठ रोग में अग्र बताया है, खदीर हर कुष्ठ में खदीर को देते हैं, तो ऐसा बताते हैं कि खदीरा शीतलो दंत्या कंडुकास रुचि प्रणोत अरुचि प्रणोत तिक्त कषाय मेदोघ्ना कृमि मेह ज्वर वर्णान शुत्र शोथाम पित्ताश्र पांडु कुष्ठ कफान हरे। मतलब यह जो है, यह शोणित स्थापन गण में खदीर बताया है, शोणित को स्थापित करके रखता है, शोणित रक्त का प्रसादन करता है, रक्त का स्तंभन करता है, अगर इंटरनल हिमरेज हो रहे तो उसको भी यह ठीक कर देता है, इसी तरह से रक्त का वर्धन कर देता है, शोथहर भी है मतलब सूजन को भी कम कर देता है, और इसका अगर हमने ये क्वाथ के रूप में प्रयोग कर दिया तो रक्त को एकदम अच्छे से क्लीन कर देता है, क्लींजिंग कर देता है। इसी तरह से ये बता रहे हैं कि कुष्ठग्न है, कंडुग्न है और हर तरह के त्वचा रोग में ये अग्र बताया गया है, कुष्ठेषु सेव्य खदिरस्य सारा, कुष्ठ के रोग में बागबड़ उत्तर तंत्र में बोल रहे हैं कि इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, इसका मैंने बता दिया। अब भृंगराज, भृंगराज रस की भावना दी है, भृंगराज जो रहता है उसके बारे में ऐसा बताया है कि भृंगराजो भृंग रजो मार्को भृंग एव च अंगारक केश राजो भृंगारह केशर अंजना भृंगारह कटुक तीक्ष्णो तिक्तो रुक्षोष्ण कफ वातनुत केश त्वच्य, त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, कृमि श्वास का श्रोताम पांडुनुत दंत्यो रसायनो बल्य कुष्ठ ने कुष्ठ को डबल डबल बोला है, कुष्ठ नेत्र शिरो और तिनुत। तो अगर हम लोग भृंगराज के बारे में देखेंगे तो यह क्या करता है, पाचन संस्थान को अच्छा करता है, दीपन पाचन कार्य करता है, उसी तरह से यकृत को उत्तेजना करता है, श्वास कास व्याधि में भी अच्छा काम करता है, यकृत वृद्धि में भी करता है, प्लीहा वृद्धि में भी काम करता है, अगर कामला जन्य संप्राप्ति है उसको मतलब पित्त का रेगुलेशन करेगा तो कामला में अच्छा काम करता है, फिर बवासीर में अच्छा काम करता है। भृंगराज का यहाँ सिग्निफिकेंस ये है कि क्योंकि ये कुष्ठ रोग अधिकार में ये वनस्पति, ये मेडिसिन है, तो हम कुष्ठ को ध्यान में रखकर ये बताएंगे कि यह जो है रस और रक्त मांस का गामित्व है इसका, मतलब रस धातु में गामित्व है, रक्त धातु में गामित्व है, मांस धातु में गामित्व है, तो स्वेदल कार्य करता है, स्वेद जितना निकलेगा उतना ना कुष्ठ रोग में फायदा होता है, क्योंकि मल निकल रहा है स्वेद के रूप में, जो शरीर से मल निकलेगा ना प्राकृतिक रूप में, तो उसके वजह से ना कुष्ठ में हीलिंग होना बहुत जरूरी होता है, और इस पर हमारे सर बताते हैं कि भ्राजक पित्त का कार्य होना बहुत जरूरी होता है, अगर भ्राजक पित्त का कार्य अच्छा से हो रहा है तो ना भ्राजक पित्त का कार्य हो रहा है, स्वेद प्रवृत्ति अच्छी हो रही है, तो ना कोई भी कुष्ठ रोग जो रहता है वहां से क्लेद निकल जाता है और त्वचा रक्त मांसलसिका यह अच्छे हो जाते हैं, इसलिए वहां पर भ्राजक पित्त का कार्य अच्छा होना चाहिए, व्यान वायु का कार्य अच्छा होना चाहिए, तो भृंगराज जो है ना वो भ्राजक पित्त का कार्य भी अच्छा कर देता है और उसी तरह से स्वेद प्रवृत्ति बहुत अच्छा कर देता है, फिर कुष्ठ में काम करता है, किलास में काम करता है, फिर शीत पित्त में काम करता है, शुद्र रोग में काम करता है, मतलब हर तरह के शुद्र कुष्ठ में भी बहुत अच्छा काम कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। फिर है बाकुची, बाकुची के बारे में ऐसा श्लोक में बताया है कि बाकुची कटु कटु तिक्तोष्णा कृमि कुष्ठ कफापहा, कृमि को भी मारता है, कुष्ठ में बहुत अच्छा काम करता है, त्वग दोष विष कंडु कंडुर्ति श्वित्र प्रशमनी परा, मतलब त्वचा के दोषों को ये साफ करता है, क्लींजिंग करता है, इसलिए बाकुची का प्रयोग है। बाकुची का आप लोग केवल श्वेत कुष्ठ में ही प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यह हर तरह के कुष्ठ में काम करता है, त्वचा पे काम करता है, कंडु पे काम करता है और श्वित्र पे तो काम करता ही करता है। बाकुची का अगर हम लोग देखेंगे तो यह रक्त व संस्थान में उत्तेजना देने का काम करता है, स्वेद जनन है, कुष्ठग्न है और
इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं ना तो यह भ्राजक पित्त को अच्छा कर देता है। इसलिए श्वित्र रोग में त्वचा के नीचे जो ग्रंथियां होती है जो भ्राजक पित्त को अच्छा सिक्रीट करती है, मिलानिन बनाती है, उसी तरह से यहाँ पर देखिए ना वो उत्तेजना देती है। अच्छा त्वचा जो रहती है उसको ये क्लीन मतलब अच्छा स्किन बना देती है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है अवभासनी, श्वेता, ताम्रा, लोहिता, जो ये सात जो ये बताए ना त्वचा, उस पे ये बहुत अच्छा काम करती है। इसीलिए ना इसका प्रयोग करने से शूत्र में भी काम होता है और राजराजेश्वर रस में डाला हुआ है तो यह दवाई गुणकारी बन जाती है। फिर लौह पात्र में बनाया है तो हीमोग्लोबिन अच्छा बनेगा, मतलब रक्त धातु पे ही वो भी काम करेगा। मधुघृत डाला हुआ है तो कोई भी इन्फेक्शन है वह एक तरह से एंटीबायोटिक होता है मधुघृत, उसका प्रयोग करते हैं तो पित्त का भी शमन होगा, कफ का भी शमन होगा। और वह मधुघृत का प्रयोग करके बनाया गया है तो वह क्या करेगा, एंटीबायोटिक का काम करेगा। एलोपैथी का जैसे एंटीबायोटिक दिया जाता है स्किन डिसऑर्डर्स में माइक्रोब्स को मारने के लिए, उसी तरह से ये मधुघृत के साथ बनाया हुआ है। और पारागंधक जो है खुद भी कजली भी है वो भी जंतुक ने बताया है, क्रिमिक ने बताया है। तो यह वहां छोटे छोटे जो जंतु होने से जो कुष्ठ रोग हुआ है पैथोलॉजी वैसे हुई है जो हम लोग आगंतुक के रूप में भी मानते हैं तो वह भी पूरी तरह से औपसर्गिक रोग में मानते हैं जो मतलब दूसरे के उससे फैल जाता है, मतलब टच करने से जो कुष्ठ रोग है कोई ना कोई इन्फेक्शन आता है, कोई माइक्रोब्स आते हैं उसकी वजह से होता है। तो इसलिए राजराजेश्वर रस का प्रयोग करने से 100% फायदा होता है। आप लोग मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसका प्रयोग करने वाले हैं और आप लोग का भी स्किन स्किन के प्रॉब्लम सारे आपके पेशेंट के ठीक हो जाएंगे। तो आप लोग का भी यश, कीर्ति, धन, धान्य ये सब मिलेगा और आप लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ, हम लोग थोड़ा संभाषण करते हैं। जी आइए आप लोग एक बार चेक करिए अनम्यूटेड हो पा रहे हैं क्या। हाँ सर, जी हाँ हो सर, इस प्रणाम प्रणाम। सर। सर स्टोरेसिस में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे प्रयोग, सर वो बता दें कितनी हंड्रेड देर परसेंट तक। एक एक रत्ती तक मैंने किया है, बहुत अच्छा फायदा होता है। खदीरा रेश के साथ किया है, अगर दाह पाक हो रहा था तो सारीवाद्यासव, फिर उशी रासव के साथ मैंने किया है, कभी कभी महामंजिष्ठादि क्वाथ के साथ किया है, बहुत अच्छा फायदा होता है। सर मात्रा क्या रखते हैं सर इसकी, 125? 125 mg या 2 2 BD भी देते हैं हम लोग। अच्छा सर, कितना लंबा इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरे को तो ज्यादा से ज्यादा 42 डेज में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये रस कल्प है ना, कोई भी रस हाँ कल्प सर, के बारे में इसीलिए। हाँ 42 डेज देना है, फिर ब्रेक देना है, फिर 42 डेज देना है, फिर ब्रेक करना है। ठीक है सर। डॉक्टर रवि कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं, उन्होंने चैट बॉक्स में कुछ तो लिखा है। डॉक्टर रवि कुमार जी जी सर प्रणाम प्रणाम। सर, बुक मिल गई आज सर, धन्यवाद आपको बहुत। आपने वो बुक देखिए उसमें हर चीज कितना अच्छे से क्लियर क्लियर बताया है, जी मतलब सर, महाराष्ट्र में तो उसी बुक से सब लोग पढ़ते हैं, जी सर, इतना अभी अच्छा है खोला ही है मैंने आज उसमें। सर, जो है जी डिजीज वाइज चैप्टर मिल रहे हैं ऐसे लग रहा है सर। वो तो है, वो तो है, लेकिन आप चिकित्सा देखिए उसका, उसमें ना जी, हर अभी पढ़ा नहीं सर मैंने। मेडिसिन का लिस्ट दिया हुआ है कि कौन सा रस कल देना है, कौन सा, वो आप देखिए। जो नए प्रैक्टिशनर होते हैं ना वो जब क्लिनिक खोल के बैठते हैं तो उनको डर लगता है कि क्या दवाई दे, कौन सी दवाई दे, तो उसमें सब दिया हुआ है। जी सर, सलाम पाचक पट्टी के लिए थोड़ा याद दिला हाँ रहा हूँ सर। मैं भेज दूंगा, मैं भेज जी दूंगा। सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना सर है तो बोलिए। सर मुझे पूछना है क्वेश्चन, सर पूछू हाँ क्या? पूछिए पूछिए। सर जैसे रस राजेश्वर वात की रस औषधि कही जा सकती है, और ये राज राजेश्वर पित्त प्रधान नहीं नहीं रोग नहीं में है। मैंने गंधक के बारे में मैंने बताया, ये देते तो हर व्याधि में होते हैं, देते तो हर तरह के कुष्ठ में। अच्छा, फिर ज्यादातर भी हम लोग उसमें क्या है ना कि पैतृक। कुछ दवाइयां जो रहती हैं, हम लोग जैसे जब मैं बताता हूँ ना, त्रिभुवन कीर्ति पित्त में नहीं देना है, अग्नितुंडी पित्त वालों में नहीं देना है, तो हमें ऐसा डर लगता है कि कौन सी दवाई पित्त वालों को, चित्रकादी वट्टी नहीं देते हम लोग पित्त वाले को, या फिर अग्नितुंडी वट्टी नहीं देते हैं, चित्रकादी से साइड इफेक्ट होता है ना, पित्त बढ़ जाता है। तो ऐसे स्किन डिसऑर्डर में भी कुछ ऐसी दवाइयां नहीं जानी चाहिए कि वो पित्त एग्रेवेट हो जाए, दाह पाक लालिमा बढ़ जाए, ऐसा डर लगता है। ये जो मैंने इसलिए पित्त को ज्यादा स्पेसिफाई किया कि पित्त में भी दे सकते हैं, वात कफ में तो देंगे ही हम, उसमें भी देंगे। प्रणाम सर प्रणाम सर। जी बोलिए। सर आजकल बहुत टीनिया मैनम दद्रु केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं सर, और सोरियासिस पे भी। तो ये दद्रु में ददरू पे काम करने वाली दवाई है ना राज राजेश्वर रस, कितने भी देओ रेस्पॉन्ड नहीं हो रहा है। महामारी चारित एक्सटर्नल देओ, टंकन भस्म देओ, पंचतिक्त वृत्ते, कुछ भी नहीं। और ये यूज कर सकते हैं सर?
मैंने वही तो बताया ना कि अगर छोटे छोटे जहाज काम नहीं करें पाकिस्तान को मारने के लिए, पाकिस्तान के टेररिस्ट को मारने के लिए, तो फिर हमें राफेल लाना पड़ा, कि राफेल आते ही चाइना भी शांत बैठ गया और फिर पाकिस्तान में ये राजराजेश्वर रस देंगे ना, तो आपका ट्रीटमेंट कभी फेल नहीं होगा, आप सक्सेसफुल ही होने वाली हैं। इसका प्रयोग करके देखिए, और आप खुद भी बना सकते हैं डॉक्टर जी, आप खुद बना सकते हैं ये। थैंक यू सर। और बताइए कुछ। अब ये धूप पापेश्वर वाली जो आती है, ये जो हाँ ये बात रोकना काम करती है, वही वाली मैं पूछ रहा हूँ। वही वही राजराजेश्वर रस आपने एकदम सही पकड़ा है, सही चीज आपने बताया, वो आता है, रिजल्ट आता है जी। और भी कंपनियां बनाती हैं लेकिन मैं कंपनी का नाम नहीं बता सकता, इसका रिजल्ट 100% आता है। डॉक्टर प्रीति जी आप बोलिए। डॉक्टर प्रीति प्रणाम सर, थोड़ा मुझे मोलस्कम कॉन्टेजियस के बारे में पूछना था। अभी छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है सर, तो इसमें अपन क्या दे सकते हैं सर? मैंने आप ना फोटो भेज दीजिए, फोटो भेजेंगे ना तो मैं अच्छे से आपको बता सकता हूँ, आप ग्रुप में भेज दीजिए। हाँ हाँ सर, ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ जी। अच्छा सुनिए, मेरे पास एक पेशेंट आए हैं हैदराबाद से, जो मतलब मैडम है, उनको ना आमबद था पूरा शरीर में, आमबद मतलब पूरे ज्वाइंट में पेन वगैरह था, तो अभी थोड़ी देर में आएंगे तो वो पंचकर्म कराने के लिए अपने हस्बैंड के साथ आई है, तो मैं आप लोगों के पास उनको मैं बिठाऊंगा। आप लोग ना आमबद में कैसे क्वेश्चन पूछना है आप कुछ तैयार करके आइए, हम लोग सब, मैं उनको ना 8 बजे का जो सेशन है उसमें लेके आने वाला हूँ। तो आप लोग देखिए आयुर्वेद की दवाई से कितना दिन में कितना फायदा हुआ, आप लोग खुद देखिए और एनालिसिस करिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उनको ना 80-85% फायदा हुआ है आमबद में, जबकि वो क्रॉनिक बीमारी है। तो आप एक बार उनसे खुद देखिए, उनके ज्वाइंट्स देखिए, तो वो बताएंगे आपको सब चीज। थैंक यू सर, ऐसे केस लाइए। और वो भी बहुत बढ़िया, आप लोग कैसे केस टेकिंग कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आया कि नहीं आया उसका भी फीडबैक पेशेंट अगर देते हैं तो वो ज्यादा सीखने को मिलता है। तो वो अभी बताएंगे ना, तो आपको देखिए वो क्या बताती है। ठीक है डॉक्टर चिराग जी आप बताइए। सर नमस्ते सर। हाँ प्रणाम, बताइए सर। मुझे सर एक केस डिस्कस करना था, मेरा एक फ्रेंड है। हाँ आप लोग एक मिनट बात करिए, मैं एक सर उसके को बोलता हूँ कि आने के लिए, आप लोग बात करिए, मैं एक मिनट उनसे बात कर लेता हूँ, वो पेशेंट का फोन आ रहा है, आप बात करिए। ठीक है सर। सर आप केस बताइए तब। मेरा एक दोस्त है जी। मैम मेरा एक दोस्त है, उसके एनल रीजन में रेड 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 अपीयरेंस हो रखा है और चुभन है उसका 2 महीने से। और मैम उसका हेतु दिन में सोता है। हेलो। हाँ बोलिए ना। मैम दिन में सोता है और कफ प्रकृति का है। बाकी कुछ लक्षण सर? मैम बाकी कुछ लक्षण तो नहीं है, बस चुभन होती है जब चलता है। एज कितना है उसका, खान पान क्या है उसका? मैम मतलब खान पान, मैम फास्ट फूड ज्यादा खाता है। फास्ट फूड ज्यादा होते हैं। और एज तो मैम 25 एज है। और कितना दिन से ये प्रॉब्लम? मैम 2 महीने से, 2 महीने पहले उसको बुखार आया था, तो जब गिलोय का काढ़ा पिया था उसने, तो जब से हो रखा है। इससे गिलोय के काढ़े से नहीं होगा, उस वक्त में जो बुखार आया होगा। गिलोय दालचीनी जी। जी हाँ बताइए बताइए। गिलोय दालचीनी, गिलोय दालचीनी, काली मिर्च वगैरह, ये जो हम जो काढ़े चल रहे थे जो सेकंड सेकंड वेव के समय पे उस वो लिया था उसने। बराबर, तो इसका मतलब वहाँ पे शायद कटु तीखना औषधि जो भी है, उष्ण औषधि जो है जी जी, जी ज्यादा हो गई थी। बराबर जी। और दूसरी चीज ये कि उसका जो हैबिट है, हेतु है, उसकी वजह से अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये आगे चल के उसका अवस्थम्भ वगैरह का कुछ हिस्ट्री है क्या मैम? अवस्थम्भ का कुछ हिस्ट्री है, मलावस्थम्भ, परिकृति का? नहीं मैम, नहीं मैम। अच्छा सर आगे है सर। हाँ मैं आ गया हूँ। सुनिए ना, हम लोग इंटरेक्टिव सेशन में मिलते हैं, इंटरेक्टिव सेशन में मिलते हैं, तो हम लोग, मैं तब तक थोड़ा तैयारी कर लेता हूँ पंचकर्म का। सर सर
मिनट सर, रस राजेश्वर राज राजेश्वर सेम है सर? नहीं 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 दोनों अलग है, और तालकेश्वर रस भी अलग है। हाँ, दूध पापेश्वर का रस राजेश्वर जैसा मिल रहा है, ऑनलाइन चेक। पापेश्वर का राज राजेश्वर भी है ना, स्किन डिसऑर्डर्स पे दोनों आते हैं। वो उसमें ना बात रोग में बताया होगा, दूध पापेश्वर के। हाँ, रस राजेश्वर उसमें है, राज राजेश्वर इसमें है, स्किन में, दोनों अलग है। दोनों अलग है। तालकेश्वर भी इसी कैटेगरी में आएगा सर, राफेल वाली कैटेगरी में। किन वाले में तो आएगा वो, हड़ताल है ना तालकेश्वर रस। लेकिन ये राज राजेश्वर रस दूध पापेश्वर का आता है, आप लोग देखिए आता है। क्योंकि सर तालकेश्वर में भी हड़ताल है, तो सर ये भी इसी कैटेगरी में आएगा, इसी कैटेगरी में आएगा। लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसमें बाकुची है, त्रिफला है, गुरुची है, खदीर है, प्रिंगराज है, ये ज्यादा इफेक्टिव है भाई। ठीक है सर, मैं तालकेश्वर यूज करता था, अब ये किया करूंगा। आपके जो केसेस में रिजल्ट नहीं आ रहे उसमें इसका प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है सर, ओके थैंक यू। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करूं क्या? मुझे थोड़ा तैयारी करना है, और हम लोग ना वो पेशेंट का थोड़ा केस लेंगे, और फिर आप देखिएगा कितना मजा आएगा। सर जिन्होंने अभी केस बोला है उनका भी डिस्कस करेंगे बाद में, उन्होंने केस बता दिया। किन्होंने? चिराग जी, अभी चिराग जी ने। हाँ ठीक है, ठीक है, 8 बजे मिलते हैं, थोड़ा ब्रेक दे दीजिए मुझे। ओके सर, अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, थैंक यू, प्रणाम।